हेलो गाइस, मेरा नाम है इजाज और आज हम अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो का। सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूं कि एक्चुअल में व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है क्या। तो जरा मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लूं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है क्या। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है इस वक्त एक हाई डिमांड स्किल है, तो इसको आप सीखते हुए डॉलर्स कमा सकते हैं। आप फाइवर पे आप सब कुछ और भी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है, वहाँ पे जाके आप कमा सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्लास वन है हमारी। तो ये देखते हैं हम, अब मैं ये वीडियो प्ले करने वाला हूँ, ये आप देखिए। Hey there, my name's Joel, and if you're looking for the best value in whiteboard animation, you just found it. That's because when you purchase from me, you're actually... ये आप देख सकते हैं, एक हाथ के साथ एक पेंसिल से आती है और वो ड्राइंग बना के साइड पे चली जाती है। और ये बंदा $350 ले रहा है एक छोटी सी वीडियो की, जिसके अंदर वो जस्ट 30 सेकंड की वीडियो बना रहा है और उसके वो $350 ले रहा है, जो कि काफ़ी हाई अमाउंट बन जाती है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ कि हमने सीखना क्या है अपने कोर्स में। हम सीखने वाले हैं कि जी, अभी तो पहली क्लास चल रही है इंट्रोडक्शन टू व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आपने डाउनलोड किस तरह से करना है और इंस्टॉल कैसे करना है वीडियो स्क्राइब प्रो वर्जन को, ना कि फ्री वर्जन को। उसके बाद मैं आपको इसकी एक एक टूल्स बताऊंगा कि किस तरह से इस्तेमाल करनी है। सिर्फ टूल्स बताऊंगा नहीं कि इस्तेमाल कैसे करनी, बल्कि आपको बनाकर भी दिखाऊंगा चीज़ें कि ये कैसे काम कर रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपने वॉइस ओवर कहाँ से लेना है, मतलब कि लड़के की या लड़की की आवाज़ जो आपने अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल करनी है, उसके लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेना है, किस तरह से सेटलमेंट करनी है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसके अलावा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या होता है जी, कोई शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, किसी ब्रांड या बिजनेस के बारे में छोटी सी बात हो सकती है, उसको हमने वीडियो की शक्ल में बदलना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसके अंदर है डूडल्स। आपको मैं डूडल्स के लिंक दूंगा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर ज़रूरत होगी। हज़ारों की तादाद में डूडल्स पड़े हुए हैं मेरे पास ऑलरेडी स्टोरेज में, तो लेकिन मैं तो आपके साथ लिंक ही शेयर करूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ये कि कुछ डूडल्स कलरफुल नहीं होते, आप चाहते हैं कि इनमें कलर्स आ जाएँ, तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा किसके अंदर, Adobe Illustrator के अंदर। तो उसके लिए ये नहीं है कि आपने कलर करना है तो आप एक घंटा लगे कलर ही करते, नहीं, शॉर्ट ट्रिक होगी उसके अंदर आप अपना डूडल्स कलर कर सकते हैं। इसके अलावा एडिट मोर फ्लेक्सिबल इन फिल्मोरा, बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती कि वीडियो स्क्राइब के अंदर आपने वीडियो बना ली और एडिट होगी, क्या बात, नहीं, फिल्मोरा के अंदर हम इसको मजीद अच्छे से एडिट करके दिखाएंगे। इसके साथ आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी जाएंगी, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ टास्क दूंगा, वो आपने परफॉर्म करने, तय नहीं आपकी प्रैक्टिस होगी और आप कुछ अर्न कर सकेंगे। अपनी प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी आप अर्न नहीं कर सकते, स्किल सीख नहीं सकते। फाइनल में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसके बारे में व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की जो गीक है वो कैसे क्रिएट की जाएगी, ये मैं आपको बना के दिखाऊँगा, लेकिन कोर्स के आखिर में। और सारी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे एक क्रिएटिव वीक बनाई जाएगी, एंगेजिंग वीक बनाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।